नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे, जल्दी से जल्दी रिकवरी कर रहे होंगे। दोस्तों दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि हम ना अपने केसेस को कंपेयर कर सकें दूसरे केसेस के जिनका भी हुआ है फ्रैक्चर, और उससे हम अपना समझ सकें कि कितना जल्दी हम रिकवरी कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। और हम थोड़ा सा जो फ्रैक्चर का टाइम है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहते हैं और हम कोई गलती ना करें, इसीलिए ये बनाई जाती है। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये भी एक फ्रैक्चर का ही है। इसमें क्या है कि ओपन फ्रैक्चर हुआ, लेकिन ये फ्रैक्चर हुआ इनका ये एक ग्राइंडर से गेट को काट रहे थे, तो वो ग्राइंडर का ब्लेड लगने के कारण हड्डी भी कट गई और पैर भी कट गया था इनका, पूरा नहीं लेकिन ग्राइंडर लगा था उसकी वजह से इनका बाहर का घाव हो गया था। तो जैसा कि आप फोटो में देखिए कि ये जो इनका पैर है इसमें इस एरिया में जो पर्टिकुलर बिटवीन होता है सेंटर होता है एंकल और नी का, वहाँ पर इनका घाव हुआ था। घाव का फोटो मैं डाल नहीं सकता लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ था और ब्लड ही ब्लड हो गया था। देखो सबको पता है कि फ्रैक्चर के ओपन फ्रैक्चर के टाइम में बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो अब ये घाव था, इस घाव का डॉक्टर ने इलाज किया 15 दिन, घाव पूरा भर गया है, पूरा ओके हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है इनका। लेकिन देखिए इनमें इसमें एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया है स्टेबल करने के लिए, हड्डी को एक जगह पे अलाइन करने के लिए फिक्सेटर लगाए हैं, अंदरूनी नहीं लगाया है क्योंकि ओपन फ्रैक्चर है। अंदरूनी अगर हम कुछ भी लगाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये बाहर से लगाया है तो बाहर से ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है और पूरी सफाई वगैरह करके पैर बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो गया, आप देख लीजिए इनका। और इनके जो एक्सरे, जिनको जस्ट 1 से 1.5 महीना ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनका, और इसमें आप देखिए कि इनका है ना घाव हील हो गया है, सब कुछ ओके हो गया, और एक्सरे में है क्रैक दिखा रहा है। अब ये पूछते हैं या बार बार हम सभी का एक ही क्वेश्चन, यार कितना जल्दी हम चल सकेंगे, हील हो सकेगा? इसका टोटल टाइम पीरियड जो होता है, जो हमारा टोटल हील होने का, वो अराउंड फोर्थ जो मंथ होता है उसमें हमें दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा कैलस, फोर्थ या फिफ्थ मंथ में हम देखना शुरू कर देते हैं दूसरे महीने से, लेकिन नहीं, फोर्थ फिफ्थ मंथ में थोड़ा थोड़ा दिखता है। सिक्स और नाइन मंथ के जो होते हैं हमारे एक्सरेज, इसके बीच के, उसमें हमें थोड़ा सा कंप्लीट कंपैरिजन मिलता है कि हाँ कितना स्लो हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और करीब 1 ईयर लगता है प्रॉपर पूरी फुल रिकवरी होने में। बस यही है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही और फ्रैक्चर की रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालता रहूँ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।